किसान आंदोलन को लेकर के आठवें दौर की बातचीत में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं किसान अपना प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं और उसी के मद्देनज़र किसान नेता राकेश टिकैत अपने मोर्चों को संभालने के लिए आ गए हैं और आज इन्होंने सबसे पहले डासा बॉर्डर पे पहुंच करके वहां पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें बातचीत की। उसके अलावा फिर डीगल टोल पर ये पहुंचे थे और अभी फिलहाल मकड़ोली टोल पर ये पहुंचे हैं। तो हम राकेश टिकैत जी से बात करते हैं कि किस तरह की रणनीति उनकी है और क्योंकि अगली बातचीत 8 तारीख को नहीं। टिकैत साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मोर्चे संभालने के लिए आ जाए हैं, कैसे मोर्चे लगे? हाँ, मोर्चे देख रहे हैं, पक्के मोर्चे तो ठेबंद मोर्चे बनवा रखे, पूरे मोर्चे काट रखे, टोली के साथ में मोर्चे हैं। ये किसान अटक ना जा, सरकार जितना जल्दी हो सके इन बिलों को वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, जो किसानों के मुद्दे हैं उनका समाधान कर दे। टिकैत साहब, कल बातचीत हुई थी, क्या बातचीत सरकार की तरफ से क्या रखा गया, आप लोगों ने क्या रखा? देखो, हमारी तरफ से ये हमारा पूर्ण रूप है कि पूरे देश की किसान की आवाज़ है, 3 कानूनों को वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू कर लो, जो पुराली है, जो वेस्टेज किसान जलाता है उसको वो कर लो, वो ले लिया, बिजली का जो बिल लेकर ये आ रहे थे वो वापसी ले लिया, अभी 3 कानून हैं इनको वापसी दे दो। टिकैत साहब, जब शुरुआत में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ MSP पे कानून में आप लोग मान जाएंगे, लेकिन फिर मांगे बढ़ती चली गई। ये नहीं, ये कभी नहीं कहा, सब लोगों की ये है कि 3 कानून हैं इनको वापसी करना पड़ेगा। तो अब 8 तारीख को बातचीत होनी है, लेकिन जिस तरह से हर बार एक ही बात, आप लोग 3 कानूनों को वापस करने की बात करते हो, सरकार बैकफुट पे चली जाती है और वो ये कहती है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं और बैकफुट वो वापस नहीं लेंगे। हमने तो अप्रैल तक को तो गेहूं की खेती का इंतजार कर रहे हैं, हम 4 महीने तो गेहूं की खेत बोक है, बीज बोक है, 4 महीने तो उसका इंतजार कर रहे हैं हम, अभी 4 महीने तो हुए, अभी तो 40 दिन का वो हुआ है, सरकार को 40 दिन तो लपेटा भी, और 40 दिन की फसल को तो हम वहीं गा के उसी में मिट्टी में मिला, मैं ढेंचा बोवे 40 दिन का तो ढेंचा हो, गेहूँ की फसल तो होती नहीं 40 दिन में, तो ढेंचे का तो जो फसल कच्ची हो जाए उसे तो हम उसी में मिला दें, या सरकार अभी कच्ची है, अभी तो 40 दिन इसने मानना, 40 दिन को या ज्यादा मान रहे, ढेंचे का तो खाद भी बन जाता है, फसल अच्छी होती है, नहीं नहीं रगड़ दिया पूरे को, मतलब अच्छा खाद डाल के बढ़िया फसल बढ़िया बनाओगे। एक मौसम भी ठंडा है, बरसात भी हो रही है और ऐसे में किसानों की कुछ मौत भी हो रही है, ठंड में यार रिजाई बहुत बढ़िया लगे, धरना तो ठंड में ही मजा, रिजाई ओढ़ गया बढ़िया, धरना लुटो एक ही जगह दो उठो। हाँ, एक ये कहा जा रहा था कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी ने हाइप कर रखा है, इस वजह से आप ये आंदोलन चलाए हुए हो। अगर कांग्रेस हाईजैक करती तो आप भाई सरकार से क्यों हटती? ये कहे के आपको सहारा दे रखा किसी ने, भाई उसे आदमी को तो ढूंढना चाहिए कि जिसने इतनी जनता को इकट्ठा करके जोड़ दिया वो कौन आदमी है, उसे तो भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए इस सरकार को, हाँ भारत रत्न देना चाहिए उसको तो। तो ऐसी बहुत सी और भी प्रदेश की सरकारें हैं जो MSP पे खरीद नहीं करती और किसानों को अपने कम दामों में फसल बेचती है, एक दो राज्य ऐसे हैं जहां सिर्फ MSP पे खरीद होती है? दो में होती है MSP पे, हरियाणा और पंजाब, और पूरे देश पे MSP पे खरीद नहीं होती, व्यापारी सस्ते में लूटता है। तो ये है कि इस पे कानून बन जाएगा तो कोई भी व्यापारी उसके कम पर खरीद नहीं करेगा, हमारा ये है MSP। एक आपने एक बात कही कि अब अगला टारगेट जो है वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ क्यों? कानून तो वहाँ से वापस कराने हैं आपको, ये वापसी करवा कर जब भी तो चंडीगढ़ जाएंगे, प्रदेश का भी तो इलाज करना है इसका, इसलिए बहुत तंग करे खट्टर ने, करे हमारे पर लाठी बजा रहा, आप भी लाठी बजा रहा, करेंगे इसका भी इलाज। तो जिस तरीके से सरकार पीछे बैकफुट पे नहीं जा रही, अब 8 तारीख को भी बातचीत होनी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आप लोग और ज्यादा तादाद में धरना स्थलों पे जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, इनकी थोड़ी चूड़ी और चढ़ानी पड़ेगी सरकार की।
कम मान ली ऊंचा सुने दिल्ली, इसे और तेज आवाज में सुनाना पड़ेगा। 26 तारीख के लिए भी आप कह रहे थे अब की बार राजपथ पे किसान परेड करेंगे, तो क्या तैयारियां कर ली है? उसका तो नाम बदल दिया, किसान पथ हो गया वो तो। हाँ चलेंगे उसमें 26 तारीख में, ये ट्रोलियां सब चलेगी, इनमें गरीब परीस करवा लो अपने ट्रोलियों में। हाँ रंग रूंग करवा लो सब इसमें बढ़िया, इसमें किसान क्रांति लिखवा लो, सब चलेंगे। तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि आप बॉर्डर खोल के, क्योंकि बॉर्डर तो रोके बैठी है पुलिस ना, टकराव कहीं का? तिरंगे झंडे लगा के चलेगा, तिरंगे झंडे का कौन अपमान करेगा? वो उस दिन सर्टिफिकेट तो उसी दिन मिलेंगे भाई, तिरंगा झंडे का जो अपमान करेगा वो देशद्रोही है, हमको खालिस्तान नहीं बताओगे और तिरंगे पे अपमान करोगे तो भाई खालिस्तानी पाकिस्तानी कौन है? उस दिन उस सबके सर्टिफिकेट मिलेंगे। मीटिंग को लेकर क्या उम्मीद है, क्योंकि 8 तारीख को जो मीटिंग है क्या उम्मीद है, क्योंकि दो मंत्री हर बार आते हैं? तो हो गया अभी मीटिंग का, इसे और चलन दो, फरवरी में गर्मी सी आ जाएगी जब कर लेंगे बात, बजट भी देख लगा किसान ही। तो आप मतलब पूरा राशन पानी लेकर? राशन पानी ठीक है, कोई गांव राशन पानी की दिक्कत है कोई, इसे फरवरी मार्च में कर लेंगे बात। तो अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से लोग नहीं जा रहे धरना स्थलों पे, तो आपने ट्रैक्टर यात्रा भी चल रही थी लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसका क्या अगले कार्यक्रम है, किस तरीके आ जाएंगे? फरवरी लोग को मार्च लोग को सब आ जाएंगे, महीना 10 दिन लगेगा और आने में, इतना सरकार भी समझ जाएगी और किसान भी आ जाएंगे, सब आ रहे किसान। हरियाणा की खाप पंचायतों से कोई बैठक कोई बातचीत हुई आप लोगों की? उन्हीं के हाथ में तो कमांड है, वही बताएगी हमको के कैसे चलना है, उनसे आशीर्वाद लेंगे खाप पंचायतों से, और वो जैसे भी इसका प्लान बनाएंगे उस प्लान पर हम चलेंगे। मतलब अब आखिरी फैसला खाप पंचायत तो करेगी भाई, आखिरी फैसला तो खाप पंचायतों का ही है। हाँ कानून वापस हो, कोई अमेंडमेंट पे बातचीत नहीं? कानून वापसी ही होंगे, कुछ आश्वासन मिला है? अरे आश्वासन तो किसान ने दे दिया, वापसी कर लो नहीं तो इलाज करेंगे। कृषि मंत्री की तरफ से कोई छोटा मोटा आश्वासन मिला है क्या? उन्हें बता दिया कानून वापसी करने का तरीका ढूंढ लो, नहीं तो यार जनता अभी तो कानून वापसी की बात कर रही, अगला नारा सत्ता वापसी का भी हो लग सके। तो अब की बार तो आर पार की लड़ाई है? आर पार की नहीं, आप पारी पार करेंगे। तो ये थे राकेश टिकैत जो अपने मोर्चों को संभालने के लिए आए हैं, और इन्होंने कहा कि हमारे मोर्चे काफ़ी मजबूत हैं और लड़ाई अब की बार पार की होगी, और इन्होंने एकमात्र फैसला 3 कृषि कानून वापस हों तभी ये दिल्ली के रास्तों को छोड़ेंगे, अन्यथा इसी तरीके से इन रास्तों को जाम रखेंगे, और 26 तारीख को राजपथ पर अब की बार किसान ही परेड करेगा ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।